गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हिंदी में पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्नोत्तर है ना, बैक एक्सरसाइज चैप्टर 6 है ना, मित्र का चुनाव। क्या है मित्र का चुनाव? इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नीचे दिए गए शब्दों को कोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित करके लिखिए। कोश में देखकर इनके अर्थ भी लिखिए। तो ये वाला जो है क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को नोटबुक पर ऑलरेडी भेज चुका हूँ, है ना। लेकिन सबसे पहले किसको रखें बच्चों? उसमें अंधविश्वास को रखे हैं। अंधविश्वास को क्यों रखे हैं? क्योंकि जो ये रूल्स है कि अक्षर यदि हम शब्द कोश के अनुसार जमा करते हैं तो अम की मात्रा वाले जो शब्द हैं उसको पहले रखते हैं। तो अंधविश्वास मीन्स क्या होता है? विचारहीन विश्वास, है ना। तो इस प्रकार से इसका जो अर्थ है और सीक्वेंस है उसके अनुसार जमा करके मैं आप लोगों को सेंड कर चुका हूँ, तो आप लोग रीड कर लीजिएगा, है ना। उसी प्रकार सेकेंड नंबर में क्या भेजा था? अविश्वास, विश्वास का न होना, खुदगर्ज, स्वार्थी, घृणा, नफरत, घोषित, घोषणा करना, तटस्थ, किसी का पक्ष न लेने वाला, दृष्टि, नजरिया, धूर्त, बदमाश, पाखंडी, बहुत झूठा, प्रशंसा, बढ़ाई, प्रवृत्ति, स्वभाव, बतंगड़, बहुत बात करने वाला, निर्णय, फैसला, भ्रष्ट, बुरे आचरण वाला, संगति, साथ, स्वार्थी, मतलबी, षड्यंत्र, साजिश, हृदय, दिल, क्षणभंगुर, जल्दी नष्ट होने वाला, क्षमता, जो सामर्थ्य होता है ना उसको क्षमता बोलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों से तीन तीन नए शब्द बनाइए। जैसे मित्र है तो मित्र से क्या बन सकता है? मित्रता, मित्रवत, मित्रवर। उसी प्रकार समाज से सामाजिक, सामाजिकता, समाज शास्त्र, राजा, राजा से क्या बना जा सकते हैं? राज्य, राजनीति, राजाज्ञा। ओके, तो नेक्स्ट दिया हुआ है वाक्य बनाइए। बड़ी से बड़ी वाक्य बनाइए, तो बातूनी लोग बड़ी से बड़ी बातें बनाते हैं। अच्छी से अच्छी, बच्चों को अच्छी से अच्छी बातें सिखानी चाहिए। कम से कम, बुद्धिमान व्यक्ति कम से कम बोलते हैं। अधिक से अधिक, सभा में विद्वान अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे, है ना। जल्दी से जल्दी, काम को जल्दी से जल्दी खत्म करो। इस प्रकार से जो है और अन्य सेंटेंस आप लोग बना सकते हो। प्रत्यय युक्त शब्दों को रेखांकित कीजिए। प्रत्यय किसमें है? प्रत्यय किसे कहते हैं बच्चों? जो शब्द के अंत में जुड़ करके, है ना, जो शब्द के अर्थ को परिवर्तन कर दे, या फिर जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं उसे साधारण शब्दों में प्रत्यय कहते हैं। जैसे दंडनीय, है ना, तो यहाँ पर दंडनीय में प्रत्यय जुड़ा हुआ है, नीय प्रत्यय, तो दंडनीय, इसलिए इसको क्या किए रेखांकित, क्योंकि ये प्रत्ययुक्त शब्द है। तरीका का, मित्रता, ता, है ना, दुनिया में नहीं जुड़ा हुआ है, दुनिया एक शब्द है। सामाजिक, है ना, इसमें प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है, और सामाजिक में समाज प्लस एक प्रत्यय, सामाजिक। खतरनाक में नहीं जुड़ा है, मामूली, ईमानदारी में जुड़ा हुआ है, समझदारी में जुड़ा हुआ है, और नैतिकता में जुड़ा हुआ है, नैतिक प्लस दा नैतिकता। उसी प्रकार समझ प्लस दारी, समझदारी। मामूली में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, है ना, और ईमानदारी में दारी प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से जो प्रत्यय युक्त शब्द है उनको रेखांकित करना है। प्रत्येक समूह में द्वंद्व समास के सही उदाहरण के सामने ठीक का निशान लगाइए। द्वंद्व समास मीन्स क्या होता है बच्चों? जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है उदाहरण में, चाय पकौड़े, धीरे धीरे, एक एक, एक दूसरे। तो यहाँ पर जो सही उदाहरण है वो कौन सा है? चाय पकौड़े, है ना, जिसमें दोनों पद प्रधान हो रहे हैं, है ना। इस प्रकार से चाय पकौड़े, ये क्या है? द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। और यहाँ पर धीरे धीरे, एक एक, ऐसा जो, है ना, शब्द की पुनरावृत्ति हुआ है ना, उसे हम द्वंद्व समास नहीं बोल सकते, है ना, जिसमें दोनों पद की प्रधानता हो, उसे हम दोनों क्या कहते हैं, जो द्वंद्व समास कहते हैं। तो यहाँ पर चाय पकौड़े क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद की प्रधानता हो। चाय पकौड़े, चाय और पकौड़े, ऐसा, है ना। तो नेक्स्ट है,
यहाँ पर दिया है प्रत्येक, धन दौलत, धन मानी, धनी मानी और चुप चुप। यहाँ पर भी क्या है, द्वंद्व समास में धन और दौलत, धन दौलत, ये द्वंद्व समास है। भाव विभोर, छोट भैया, ऊंच नीच, खुश मिजाज, ऊंच और नीच, ये जो शब्द है वो द्वंद्व समास के उदाहरण है। सही सही, भला बुरा, अच्छे अच्छे, है ना, और रोटी वोटी, तो भला बुरा क्या है, द्वंद्व समास के उदाहरण है, भला और बुरा। अपना पराया, अपना और पराये, यही जो है क्या है, द्वंद्व समास के उदाहरण है। चाय वाय, अंट संट और शुरू शुरू शुरू। तो इस प्रकार से जो शब्द है द्वंद्व समास के बारे में आप लोगों को, और ग्रामर में हम लोग है ना इसके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं इसके लिए अलग से जो है समास के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें है ना इसको पहचानने के तरीका भी आप लोगों को बताऊंगा। नेक्स्ट है परस्पर संबंध रखने वाले, यहाँ दिया हुआ है, या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, लगभग इसमें के बीच में क्या आता है, जैसे बोलते हैं तो और यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर बोले ना चाय और पकौड़े, धन दौलत, धन और दौलत, है ना, ऊँच नीच, ऊँच और नीच, है ना, उसी प्रकार से भला बुरा, भला और बुरा, अपना पराया, अपना और पराया, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं क्रियाकलाप, बातों बातों में देख लेते हैं क्या कहा गया क्रियाकलाप में। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अर्थात जिस प्रकार विषैले सांप का चंदन पर प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार अच्छे मनुष्य पर भी बुरे लोगों का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, क्या आप इस बात से सहमत हैं, है ना, यदि सहमत हैं तो इस विषय पर है ना आप लोग जो है मीटिंग में ज़रूर जो है चर्चा करिएगा, और इस विषय में आप लोग एक जो है ना दो दो चार चार जो सेंटेंस हैं, लाइन है, उसको आप लोगों को बोलना है किस इसके बारे में। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं निपटे रहत भुजंग। अर्थात जिस प्रकार विषैले सांप का चंदन पर प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार अच्छे मनुष्य पर भी बुरे लोगों का प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। कौन से अच्छे, जो व्यक्ति दृढ़ता के साथ अपने अच्छाई पर अडिग रहते हैं, उन्हें बुराई जो है डिगा नहीं सकते, वे अपने कामयाब है ना, वे अपनी कामयाबी पर या अपने जो लक्ष्य पर अडिग रहते हैं, गलत की संगति में रहते पढ़कर भी है ना, वे गलत में यदि गलत लोगों के बीच में रहते हुए भी वे उनसे गलती को क्या नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, बल्कि वे अपने आप में अडिग रह जाते हैं, है ना, और दूसरे की बुराई को नहीं सीखते। क्यों, क्योंकि वो अपने आप पर उन्हें विश्वास है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वे क्या है, सत्य है, और जो दूसरे की बुराई है उसे मैं स्वीकार नहीं करूँगा, और इस प्रकार से वे अडिग होते हुए है ना। जिस प्रकार यहाँ पर किसका उदाहरण लिया हुआ है, चंदन का, चंदन का है ना, चंदन के वृक्ष पर क्या होते हैं बच्चों, विषैले सर्प रहते हैं, लेकिन विषैले सर्प उसके ऊपर है ना चलते हैं, रहते हैं, उसके बाद भी चंदन के ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार से जो अच्छे मनुष्य होते हैं वे कैसे भी मनुष्य कुसंग के है ना, कुसंग में रहने के बाद भी वे अपने अच्छाई में ही क्या रहते हैं, अडिग रहते हैं, और कुसंग का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। उसी प्रकार से हम लोगों को भी है ना क्या रहना चाहिए, उसी चंदन वृक्ष के समान होना रहना चाहिए, जो कितने भी कुसंग समाज में और अन्य प्रवृत्ति के लोग रहें, लेकिन उनसे हमें बुराई को नहीं लेना चाहिए, बल्कि प्रयास तो यही करना चाहिए कि हमारी अच्छाई वो ले लें तो अच्छी बात है, और अपने जीवन में है वो अमल कर ले, वो अच्छाई हमसे ले ले, है ना, लेकिन हम उनकी बुराई को ना लें, है ना। हम लोगों को अच्छाई के मार्ग में चला सके, यदि हमसे कोई प्रेरणा ले तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हमें दूसरे की बुराई को नहीं लेना चाहिए, न ही उसके प्रभाव में पढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर लिखा है, मान लीजिए कि यह पत्र आपके पिता ने आपको लिखा, अपने पिताजी को इस पत्र का उत्तर देते हुए लिखिए कि अपने मित्रों के चुनाव में आपने क्या क्या सावधानियाँ बरती। ठीक है बच्चों, आप लोगों के जीवन में भी अनेक प्रकार के इस प्रकार से जो क्वेश्चन उठा होगा है ना, कि मित्र के बारे में, मित्र माने है ना, फिर मित्र मान करके उनसे आपको कुछ हर्ट लगा है ना, जैसे आपने सोचा था वैसा वो नहीं निकले, तो इस प्रकार से आप लोगों को भी क्या समस्या आई और किस प्रकार से आपने उस समस्या से निजात पाई,
तो उसको भी आप लोगों को विचार करना है। सत्संगति विषय संबंधित दोहों और चुप्पियों का संकलन कीजिए, है ना। पंडित रामचंद्र शुक्ल का निबंध मित्रता पढ़िए और कक्षा में उस पर चर्चा कीजिए। प्रस्तुत पाठ में बहुत से नीति वाक्य हैं, उन्हें चाट कर लिखिए। सच्ची दोस्ती हृदय से उपजती है और हृदय उसे अनुभव भी करता है। क्या है बच्चों? सच्ची दोस्ती। इस प्रकार से नीति वाक्य अनेक है, उसको आपको डायरी में लिखना है। और है ना कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, सच्ची दोस्ती हृदय से उपजती और हृदय उसे अनुभव भी करता है, ठीक है। इस प्रकार से सत्य का भान क्या होता है? हमारी आत्मा से हो जाती है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से ये आप लोगों का जो है क्रियाकलाप भाषा से दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश को आप लोग देखिए, पढ़ते हैं, चलिए, है ना। रेगिस्तान में रहने वाले लोगों का जीवन कष्टकर होता है। दिन में रेत इतनी गर्म हो जाती है कि उस पर पैर नहीं रखा जा सकता। ऐसी दशा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचा जाए? अन्य स्थानों पर तो हम हाथी घोड़ों की सवारी कर लेते हैं, किंतु रेत में हाथी का पैर धंस जाता है, घोड़े भी रेत में नहीं चल सकते। हाँ, रेगिस्तान में ऊँट सवारी के काम आता है। ऊँट ही रेतीली जगहों में बोझा ढोता है। उसके पैरों की गद्दीदार बनावट होती है, जिससे कि वह रेत पर सुगमता से चल लेता है। रेगिस्तान में बहुत सारे काम ऊँट कर देता है। रेगिस्तान में जहाँ जहाँ पानी के कुएँ मिलते हैं, वहाँ लोग बस्ती बना लेते हैं। ऐसी बस्तियों को नखलिस्तान कहा जाता है। क्या कहते हैं? नखलिस्तान। किन बस्तियों को? जहाँ पानी के कुएँ मिलते हैं, वहाँ लोग बस्ती बना लेते हैं। ऐसी बस्तियों को नखलिस्तान कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वहाँ ऊँट से ही रहट खिंचवाया जाता है, जिससे पानी कुएँ के बाहर आ जाता है। रेगिस्तानी इलाके में बबूल के पेड़ मिलते हैं। ऊँट उन पेड़ों की पत्तियाँ चर लेता है। वह बिना खाना खाए या बिना पानी पिए कई कई दिन गुजार सकता है। रेगिस्तान में वह यातायात का अकेला साधन है, इसीलिए इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, है ना। चलिए अब प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। गद्यांश का उचित उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा बच्चों? रेगिस्तान में जीवन। क्या हो जाएगा? रेगिस्तान में जीवन। तो नखलिस्तान किसे कहा जाता है? अभी जस्ट पढ़े हम लोग, है ना। नखलिस्तान रेगिस्तान में जहाँ जहाँ पानी के कुएं मिलते हैं, वहाँ लोग बस्ती बना लेते हैं। ऐसी बस्तियों को नखलिस्तान कहा जाता है। रेगिस्तान में रहने वाले लोगों का जीवन कैसा होता है? रेगिस्तान में रहने वालों का जीवन क्या होता है? हाँ, कष्टकर होता है, ठीक है। रेगिस्तान में ऊँट की क्या क्या उपयोगिताएँ हैं? ऊँट क्या करते हैं बच्चों? हाँ, रेगिस्तान में ऊँट सवारी के काम आता है, है ना, यातायात का साधन है। कुओं से पानी निकालने के लिए रहट खिंचवाने के काम ऊँटों से ही करवाया जाता है। ऊँटों से ही रहट खिंचवाया जाता है, है ना, जिससे पानी कुएं के बाहर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? तो कष्ट का विलोम क्या होता है बच्चों? कष्ट का विलोम आराम शब्द होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये अपठित गद्यांश है, इसको आप लोग जो है नोटबुक में लिख लीजिएगा क्वेश्चन आंसर को, ठीक है। और किसी प्रकार से और कुछ डाउट होने पर आप लोग मीटिंग में कंसल्ट करिएगा, ओके।